व्यूवर्स, आज किचन लज्जत में हम बना रहे हैं यहाँ पर प्री मिक्स से एक बहुत ही अच्छी बिरयानी। ये अवधि बिरयानी है, कोहिनूर ऑथेंटिक बासमती बिरयानी किट से तैयार करेंगे। आइए इसका प्रोसेस देखते हैं और इसे तैयार करते हैं। देखिए व्यूवर्स, हम यहाँ पर जो है अवधि बिरयानी तैयार कर रहे हैं। ये कोहिनूर की पैकेट में आया है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी है और ये तीन फ्लेवर्स में मिलता है, हैदराबादी बिरयानी, अवधी बिरयानी और सिंधी बिरयानी। यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं। ये हमें अमेज़ॉन से हमने मंगाया है और बहुत ही कम कीमत में हमको मिला है। इसमें बस हाफ आवर में 30 मिनट में बनके तैयार हो जाती है ये। और देखिए इस पैकेट के अंदर हमको 200 ग्राम राइस मिले हैं, प्लस इसमें हमको एक ये पैकेट मिला है। इसमें ऑयल के साथ मसाला है और साथ ही जो है इसमें कुछ खड़े मसालों का पैकेट इन्होंने अलग दिया है। इसमें 200 ग्राम का राइस का पैकेट होता है, तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा थोड़े से चावल मिला सकते हैं। चावलों को हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है यहाँ। इसमें आप अपनी तरफ से सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, जो पसंद है आपको वेजिटेबल्स इसमें मिला सकते हैं। इसको आप चिकन के साथ बना सकते हैं या किसी भी मीट के साथ बना सकते हैं। यहाँ जो है हम गोश्त के साथ बना रहे हैं। यहाँ हमने 1/2 kg गोश्त लिया है, इसको अच्छी तरीके से हमने धो लिया है, ये बिल्कुल तैयार है बनने के लिए। तो आइए इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हम इस कढ़ाई में गोश्त डाल देंगे। अब हम इसमें मसाला मिला रहे हैं जो हमको इस पैकेट में मिल गया है। तैयार मसाला है ये ऑयल के साथ, इसमें पूरा ऑयल डाला गया है, यानी इसी पैकेट में शामिल है। ऑयल भी नहीं मिलाना आपको। इसमें 1 कप पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए गोश्त के अंदर। जोश आने के बाद इसको ढाँप देंगे। हम इस वक्त तक इसको ढक देंगे जब तक कि ये पानी पूरा खुश्क हो जाए, गोश्त जो है अच्छी तरीके से डन हो जाए। उसके बाद जो है हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। व्यूअर्स देखिए, ये पैकेट में से निकले हुए 200 ग्राम चावल है जिसको कि हमने आधा घंटा भिगो के निथार लिया है। और यहाँ हमने 3/4 कप अपने घर के ये चावल लिए हैं जो कि हम इसमें मिलाएंगे। ये नॉर्मल चावल है। देखिए व्यूअर्स, 3 कप चावल हो गए और यहाँ पर हमने 6 कप जो है पानी बॉइल करने के रखा है। इसमें ये खड़े मसाले जो उसी के पैकेट में निकले हैं, ये हम पैकेट डाल रहे हैं। सॉल्ट डालेंगे साथ में। इसमें जब फुल बॉइल आ जाएगा तो इसको 2-3 मिनट सिम पे रखेंगे, फिर इसमें हम चावल शामिल करेंगे। देखिए व्यूअर्स, इसको बॉइल आ गया है और ये अच्छे तरीके से पक गए हैं। सिर्फ एक कनी इसमें बाकी रह गई है, इसको इस तरीके से देखा जाता है कनी को। देखिए ये कनी इसमें नज़र आ रही है, पूरा ये साफ हो गए हैं और ये कनी, इसको कहते हैं एक कनी रह जाना। तो ये एक कनी इसमें रह गई, फुल डन नहीं है, ये पूरी तरीके से नहीं गले हैं। अब हम अगला प्रोसेस करते हैं, पहले इसका पानी निकालेंगे। देखिए चावलों को हमने यहाँ पर जो है छान लिया है ताकि अगर इसमें थोड़ा बहुत कुछ पानी होगा वो भी अच्छी तरीके से निकल जाए। बस देखिए, अब हम इसमें लेयर्स लगाएंगे चावलों की और गोश्त की। पहले हम चावल डालेंगे इसमें, आधे चावल डाल देना है और इसको फैला देंगे चावलों को। इसमें आप चाहें तो गोल्डन करके कटी हुई प्याज डालिए। इसमें हम अब पूरा गोश्त डालेंगे। देखिए ये चावलों के ऊपर पूरा गोश्त लगा दिया है और जितना मसाला था वो भी सब हमने डाल दिए हैं। अब दूसरे चावल जो है आधे, ये हम इसके ऊपर लेयर डाल रहे हैं, फैला देंगे इसको। देखिए व्यूअर्स, ये चावल बहुत अच्छी क्वालिटी के दिए हैं इसमें। ये देखिए इसका साइज, ये बहुत बड़ा हो गया है चावल भीगने के बाद और पकने के बाद। अब हम इसको दम पे रखेंगे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर। व्यूअर्स इसमें देखिए, सारी लेयर्स लगाने के बाद इसमें आपको घी डालना है। देखिए इसको हमने 1 टेबल स्पून घी अच्छी तरीके से डाल के फैला दिया है। अब ये पिघलेगा और इस पर दम आ जाएगा। 3 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे। व्यूअर्स इसके ऊपर बहुत अच्छा दम आ गया है और अब जो है हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इसे डिश आउट कर दिया है। यहाँ पर ओनियन के रिंग्स रखे हैं हमने और साथ में रायता रख दीजिए।
इस तरीके से जो है आप बहुत ही लजीज बिरयानी ये बनकर तैयार हुई है, झटपट बिरयानी है। अगर मेहमान आ जाए इसको फ़ौरन आप बनाइए, आप पेश करिए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसे आप ज़रूर अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगा लीजिएगा, इसका पैकेट घर बैठे बन जाएगी। और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।